अभी हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 43 में, जहां पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में है रुचिका जिंदल। इनसे जानेंगे इनके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं और ये इनका कैसे समाधान करवाएंगे। नमस्कार मैम, आपका फाइटर समाचार में स्वागत है। थैंक यू मैम। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं और आप इनका कैसे समाधान करवा सकते हैं? यहाँ पे काफ़ी समस्याएं, जैसे कि मैं अभी निरीक्षण कर रही हूँ, टूटी हुई सड़कें हैं, गंदे नाले हैं, खुले ये चार दीवारियाँ हैं जिसके कारण खाली प्लॉटों में अपने कचरा डालते हैं, उसी से गंदगी होती है और उसी से बीमारियाँ फैलती है। तो मेरा ये रहेगा कि मैं इनको बंद करवाऊँ पहले तो। और यहाँ मैंने देखा कई घरों के आगे नेम प्लेट्स नहीं है, तो अगर आप यहाँ आते तो कन्फ्यूज़ हो जाते कि आपको घर नहीं मिलेंगे, तो वो सब करने का मतलब हमने सोचा है। और अभी निरीक्षण चल रहा है और भी मतलब समस्याएँ आगे आएंगी, हम काफ़ी मतलब देख कर दूर करेंगे। मैम आवारा पशुओं के बारे में आपका क्या कहना है? आवारा पशु जैसे कुत्ते, मतलब गली गली में मैंने देखे इतने कुत्ते गायें सब खुले हैं, तो उनके लिए भी एक कोई मतलब कुत्ता शाला या कुछ होनी चाहिए कि मतलब वो आवारा ना घूमे। जानेंगे विजय जिंदल से समाज सेवी कि उनका उनके पुत्र वधु के बारे में उनकी क्या राय है। देखो जी, कांग्रेस पार्टी ने हमारे पे विश्वास जताया है और यहाँ से वार्ड नंबर 43 से हमारे को टिकट दी है, और मैं एक विश्वास पार्टी को दिलाता हूँ, पूरे वार्डवासी हमारे साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। और आप देख रहे हो भी यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, मैं ये विश्वास से कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, हमारे वार्डवासी इतना विश्वास दिला चुके हैं कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से वार्ड नंबर 43 की सीट जीत के लाएंगे हम। सर आपकी क्या राय रुचिका के जिंदल के बारे में? विकास की नदियाँ बह जाएगी, ये जो आप सड़कें देख रहे हो ये सीसी रोड बन जाएगी आने वाले टाइम में, पार्क। जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, पार्क, और ये सब काम नगर परिषद के द्वारा होता आया है और होता रहेगा। ठीक है, तो आप इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, मेरी तो यही आशीर्वाद है और यही मेरी भावना है। सर आपकी क्या राय है रुचिका जी के बारे में? वह एक वाराणसी होने के नाते हमें यहाँ जो देख रहे हैं कि इनको बहुत ही अच्छा भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर समस्या को ये दिल से जो है ना वो समझ रही हैं और उनको दूर करने के प्रयास का हमें पूरा इन्होंने भरोसा दिलाया है। और हमें भी ये पूरा विश्वास है कि विजय जी अपनी पुत्रवधु के साथ हमारे इस वार्ड की हर समस्या को जो है ना वो निराकार करेंगे और वार्ड की जो है ना वो उन्नति और तरक्की के लिए कार्य करेंगे। चलिए अभी हम बात कर रहे थे भावी पार्षद से, आगामी फिर किसी वार्ड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।